अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड इन तेलंगाना। देखो आज हम बनाने वाले हैं बघारा राइस एंड चिकन का खुरमा। देखो छोटी मोटी दावत कर दी है हम लोग, इसलिए हम आए हैं अमराई। वाव, ये वेदर एंजॉय कर रहे हैं और ज़बरदस्त लंच हो रहा है हमारा यहाँ पे। चलिए आप भी शामिल होइए इस लंच में। ये देखिए जुबैर चिकन सेंटर, ये भैया के पास हम लोग चिकन लेते हैं। ज़बरदस्त देते हैं भैया, क्लीन एंड नीट फ्रेश चिकन मिलता है, आप लोग भी इनके पास ले लीजिए। ये देखिए हम लोग चिकन ले लिए हैं और इन्हों ज़बरदस्त कट करके देंगे। हाय हेलो, अब देखो हमारा स्टार्ट हो रहा है पकवान। ये देखिए ऑयल हम लोग छोटे बॉटल में फिल करके ला लिए हैं। अब देखिए 4-5 स्पून्स इसमें डालेंगे। अब गरम मसाला साबित वाला डालेंगे थोड़ा बहुत। ये देखिए 4-5 ऑनियंस हम लोग अच्छे से कट करना है, फिर इसमें डाल लेना है और ज़बरदस्त सिम पे पका लेना है। ये देखिए आफ्टर 10 मिनट्स ऐसा दिखेगा और ज़बरदस्त पक रहा है। ये ऑनियंस हमारे ये पकने में ही ऑफ गल चुके हैं। ये देखिए अब देखो ये ज़बरदस्त पक चुके हैं। अब देखिए इसमें हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट 3-4 स्पून्स डालना है और ज़बरदस्त मिलाना है इनको। अब 1/2 स्पून हल्दी पाउडर डालना है और ज़बरदस्त मिलाना है। फिर वो चिकन को अच्छे से वॉश करना है 2-3 वाटर से। और ये देखिए फ्रेश फ्रेश चिकन हम इसमें डाल लेंगे। ये देखिए वेदर इंजॉय करते हुए पकाना तो ज़बरदस्त दिख रहा है और ओपन किचन हो गया है ये हम लोग का। अब देखिए 2-3 स्पून्स चिल्ली पाउडर डालेंगे हम लोग। फिर देखिए आपके टेस्ट के हिसाब से आप लोग सॉल्ट डाल दीजिए इसमें। फिर हम देखिए कोकोनट पाउडर घर में बना के ला लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ग्राइंडर नॉट अवेलेबल, अमराई में तो ग्राइंडर नहीं रहेगा। ये देखिए इसमें हम लोग डाल लेंगे। फिर देखिए 1-2-3 बिग स्पून्स ऑफ कर्ड डाल देंगे और चिल्लीज कट करके डालेंगे 1-4-5। फिर देखिए हम लोग अच्छे से मिक्स करना चाहिए इसे। अब देखिए 1 स्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर। फिर देखिए 2 स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर डाल लेना है यानी धनिया का पाउडर। ये देखिए घर से पूरे आइटम्स हम लोग पैक करके ला लिए हैं, एक भी आइटम भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अच्छे से रिमाइंड करके हम लोग ला लिए हैं। 1/2 लेमन जूस डाल लेना है हम लोग का इसमें। फिर पुदीना और कोथमीर अच्छे से कट कर लेना है, वॉश करके इसमें डाल लेना है। ये देखिए अब ये फाइनल टचिंग है मिलाने का। अब देखिए अच्छे से मिलाना है और 1 ग्लास ऑफ वाटर डाल लेना है इसमें। फिर सिम पे इनको पका लेना है। ये देखिए ऐसा पक चुका है, ये जबरदस्त दिख रहा, मुंह में पानी आ रहा चिकन का फॉर्मे को देख के। अब देखिए इनको बाजू में हटा के रख देना है, इन्हों तैयार हो गए हैं। फिर नेक्स्ट ये देखिए रेडी कर लेंगे हम बघारा राइस। अब इसमें भी 4-5 बिग स्पून ऑयल डाल लेंगे। फिर इसमें साबित गरम मसाला भी डाल लेना है। अब 2 ऑनियंस कट करके इसमें अच्छे से डाल लेना है। फिर इसको अच्छे से मिलाना है। अब देखिए थोड़े कच्चे बटाने डाल लेना है इसमें और कैरेट भी कट करके ला लिए हैं, वो भी ऐड कर देना है इसमें। फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2-3 स्पून डालना है। फिर उसमें भी
कोरिएंडर पाउडर डाल देना है डायरेक्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट के ऊपर और दो मिला के मिक्स करना है ऐसे। फिर कोथमीर, पुदीना और हमारे ग्रीन चिलीज पूरे डाल दे के अच्छे से मिक्स करना है। आप इसमें साल्ट डाल दीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से। फिर ऑल इंग्रेडिएंट्स को ऐसे मिक्स करना है। फिर इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है और धनिया पाउडर, फिर थोड़े से टमाटे डाल देना है, 1-2-3 टमाटोस कट करना है, फिर इसमें ऐड करना है। फिर जितना भी आप लोग राइस ले लेंगे उसका डबल वाटर इसमें ऐड करना है। ये देखिए हम लोग राइस को अच्छे से वॉश करके सोक करके रख दिए है बाजू में। ये देखिए वाटर बॉयल हो चुका है इसमें। अब हम लोग राइस ऐड कर देंगे। आप देखिए अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ऐसे मिक्स करना है। फिर इसको लिड लगा देना है। आफ्टर 10-15 मिनट्स ये देखिए ऐसे पक चुका है। फिर इसको सिम पर 1-10 मिनट्स दम पे रखना है। ये देखो हमारा तैयार हो चुका है बघारा राइस एंड चिकन कोरमा करी। आप लोग भी टेस्ट करिए, बिस्मिल्लाह करिए। तो वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना? पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा व्लॉगिंग चैनल है अमसर हम व्लॉग्स, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।